लगना है इसमें भी एक और सवाल सही ढंग से बन सकता है। कोई कोई तरीका जो है बहुत लंबा हो जाएगा, कोई शॉर्ट होगा। और अब हम लोगों के पास क्या है, या तो क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछा जाएगा या 2 मार्क्स। पहले 7 मार्क्स का रहता था तो ठीक है, तो मर जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अब तो क्वेश्चन का संख्या ज्यादा हो गया है। नहीं तो ज्यादा हो गया तो आपको शॉर्ट में बनाने का तरीका सीखना होगा, जल्दी बनाना। नहीं, टाइम का बचत रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ इस एक रो या कॉलम में मोनो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सेम अवयव यहाँ तो है नहीं, तो ये टीका हुआ है दूसरा दूसरा अवयव। क्या हम क्या करते हैं, सातवां तो प्रति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, याद कीजिए सातवां। किसी एक रो या एक कॉलम का अवयव अगर दो अवयव का योग है तो वह दो डिटरमिनेंट का योग बनता है। सातवां प्रॉपर्टी लागू होगा तो हम सातवां प्रॉपर्टी लागू करके इसको तोड़ते हैं। बोलिए देखिए तो समझ गया है, क्या कहता हूँ सही सही लिखाया ऑन प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी, ये आपका समझने के लिए लिख दी। और ये तो यही आ गया, देखिए ध्यान वन वन दिखाई दे रहा है, एक्स वाई के और फिर उस पर दो बना तो इसका तो रिजल्ट तो उसी पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, बिल्कुल एक्स माइनस वाई प्लस। और यहाँ आते हैं, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन तो अपने आप में रूल है, आने में से एक